हेलो गाइस, तो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक जो कि है अबाउट मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैं बात करूँगा मेंबर्स की, मेंबर्स के बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्टर्स की तरफ। जो मेंबर्स वाला पोर्शन है, मेंबर्स जनरली एग्ज़ाम में नहीं आता, आता भी है तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मेंबर्स हम लोग जल्दी जल्दी रैप अप कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेंबर से ही। मेंबर्स में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि मेंबर्स होते कौन है, मेंबर्स आते कहाँ से, मेंबर्स क्या है, तो वही समझ लेते हैं। एक कंपनी के अंदर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर या रजिस्टर्ड पर्सन है सारे मेंबर्स कहलाते हैं। उसके अलावा जितने भी मेरे शेयर होल्डर्स होंगे वो भी मेंबर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन में मेरे जितने भी डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह वो सब आ जाते हैं। तो अब हम लोग करेंगे सबसे पहले कि मेंबर्स कौन कौन जने होते हैं या क्या क्या चीज़ों से हमें मेंबरशिप मिल जाती है। तो उसमें आता है सबसे पहले मेंबरशिप बाय सब्सक्रिप्शन, मेमोरेंडम वगैरह। हमको मैंने सब्सक्राइब किया, वो किया, उससे मेरे को मेंबरशिप मिल गई, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, मैंने एप्लीकेशन दी या मैंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया। उसके अलावा शेयर होल्डर्स, अगर मेरे पास किसी कंपनी का भी शेयर है। उसके अलावा या फिर मेरे पास क्वालिफिकेशन शेयर्स है। क्वालिफिकेशन शेयर्स मेरे वो शेयर्स होते हैं जो जनरली डायरेक्टर्स वगैरह के पास होते हैं, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट जो रिक्वायर होता है कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ में होता है। ठीक है, उसके अलावा तीन चार टर्म्स और आते हैं कि उनको हम चेक करते हैं कि लाइक वो मेंबर्स बन सकते हैं नहीं बन सकते, या किन केसेस में बन सकते हैं। कंपनी लॉ जो मेरा कहता है, कंपनी लॉ ने कहीं पे भी डिसक्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं किया, या कंपनी लॉ ने कहीं पे भी नहीं बताया कि किन केसेस में जो एक मेंबर होगा वो मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। बल्कि ये समझा जा सकता है कि कोई भी बंदा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकता है वो मेरे मेंबर में आ सकता है। तो जो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, हु कैन बिकम अ मेंबर, इसका आंसर मेरे को कंपनी लॉ से तो नहीं बल्कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि बिजनेस लॉ जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वहाँ से मिलता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं माइनर्स। माइनर्स का जैसे कि हमने बिजनेस लॉज में पहले पढ़ा था, माइनर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए वो वैलिड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दे कैन एंटर, बट उन्हें तब भी मेंबरशिप नहीं मिलती, वो मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन शेयर्स कैन बी अलॉटेड टू देम। एंड जब ये माइनर आगे जाके एडल्ट बन जाते हैं तो अल्टीमेटली वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। दूसरे आते हैं इंसॉल्वेंट लोग। इंसॉल्वेंट का यहाँ पे केस उल्टा हो रहा है। माइनर्स का क्या था, उनको शेयर्स तो अलॉट हो गए, पहले नहीं थे, आगे जाके हो गए। इंसॉल्वेंट में क्या होता है कि हो सकता है कि इनके पास पहले से शेयर्स हो, ये कंपनी के मेंबर भी हो, बट अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज ये इंसॉल्वेंट है, ये आगे कैपिटल वगैरह अगर जैसे कोई कॉल वगैरह, कोई पैसे वैसे देने शेयर्स के, नहीं दे पाएंगे और इनकी जो मेंबरशिप होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। इंसॉल्वेंट के बाद हमारे आते हैं कोई भी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म भी मेरी मेंबर नहीं बन सकती, ऑल्दो पार्टनरशिप फर्म के जो भी इंडिविजुअल्स वगैरह है वो अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे तो किसी कंपनी की मेंबरशिप ले सकते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बनेगी। उसके बाद आते हैं फॉरेनर्स। फॉरेनर्स मेंबर बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें नोट करने वाली है। पहली, जो भी फॉरेनर किसी भी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है उसको RBI से परमिशन लेना कंपलसरी है। RBI परमिशन देगा तभी आगे बढ़ोगे, वरना नहीं बढ़ोगे। दूसरा, जो भी मेरा फॉरेनर है वो किसी भी एलियन कंट्री का नहीं होना चाहिए। एलियन मतलब ऐसी कोई कंट्री जहाँ जिससे हमारा इस समय वॉर चल रहा हो या लड़ाई हो, या कभी ऐसा हो जाए कि अभी तो मेरे उससे वॉर नहीं हो रहा, मैं उस फॉरनर ने मेंबरशिप ले ली, बट फ्यूचर में किसी वजह से उससे वॉर वगैरह हो जाती है तो उसी समय उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आती है कंपनी।
कंपनी मेंबर हो सकती है क्योंकि कंपनी की एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, ये एक तरीके से एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि काम कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकती। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ जाएगी जो कि वायलेट कर देंगे राइट्स वगैरह, इसलिए सब्सिडरी कभी भी होल्डिंग की नहीं लेगी। कंपनी मेरा बन सकता है, मेंबर बन सकता है, बट सब्सिडरी होल्डिंग की नहीं बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक आता है सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप कैसे ख़त्म हो जाती है या ख़त्म हो सकती है, तो इसमें भी दो चीज़ें हैं। मेंबरशिप दो तरीक़ों से ख़त्म हो सकती है, जिसमें आता है सबसे पहले बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके अलावा इसको वॉलेंटरी भी बोलते हैं और इसको इनवॉलेंटरली या फिर फोर्स्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहला ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, खुद ही मैंने अपने शेयर्स दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दिए तो मेरी मेंबरशिप अपने आप समाप्त हो गई। दूसरा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स मैंने ख़त्म कर दिए, शेयर्स ख़त्म, मेंबरशिप ख़त्म। तीसरा सरेंडर, शेयर्स मैंने कंपनी को वापस दे दिए, सरेंडर कर दिए तो मेंबर अपने आप हो ही गई। चौथा मैं अपने शेयर्स के बदले शेयर वारंट ले लूँ, ये भी आसान है। उसके अलावा लॉ से कब कब हो सकती है, पहला इंसॉल्वेंसी, जैसे कि मैंने पीछे बताया मैं दिवालिया हो गया, मैं आगे की पैसे दे ही नहीं सकता आगे की उस पर, तो अपने आप मेरी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा डेथ, डेथ की बात हो रही, इस केस में ये होता है अगर डेथ हो गई तो जो तुम्हारे शेयर्स हैं वो तुम्हारे हायर के पास चले जाएंगे, जो कि फर्दर आगे उसे रख भी सकता है नहीं भी रख सकता, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा सेल ऑफ शेयर्स, मैंने आगे जाके बेच दिए सेल ऑफ शेयर्स का, सॉरी मैंने गलत चीज़ बोल दी, सेल ऑफ शेयर्स का यहाँ पे मतलब है कि लाइक बाय कोर्ट वगैरह किसी से मेरे पास कोई भी एक्स वाई जेड रीजंस की वजह से कोर्ट वगैरह ने मेरे को ऑर्डर किया अपने शेयर्स ख़त्म करने के लिए, स्पेशल ऑर्डर की वजह से मेरे को शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं। चौथा कंपनी ही बंद हो गई, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सिंपल। इसी के साथ हमारा मेंबर्स वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टर्स। Thank you.